लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पॉइजन्स एसईओ के बारे में, उन्होंने डिस्कस किया था। तो जो लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास आया था, हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बात किया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। यहां तक हम लोग कंक्लूड करके आए थे। और आपको पता है कि ev जो होता है वो डेल v डिवाइडेड बाय v होता है ना। डेल v बाय v इज व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसी से रिलेटेड, इसी फॉर्मूले बेस्ड एक न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। सपोज करो बेटा आपके पास ये एक पैरेललोपिपेड है या फिर एक क्यूबॉइड है। तो अगर इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करें तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करें, ये आपका एक्स डायरेक्शन है जिसमें हम लोग 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 100 न्यूटन का फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए। ये जेड डायरेक्शन फोर्स है, मान लेते हैं 200 न्यूटन है। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में इधर की तरफ भी होगा 200 न्यूटन का फोर्स। और वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है, इसको जरा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका नेचर जो है मैं कंप्रेसिव कर रहा हूँ। इसके पीछे एक लॉजिक है क्यों मैं इसको कंप्रेसिव बना रहा हूँ, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सपोज कर लेते हैं 150 न्यूटन है और इसके जो डायमेंशन है वो मैं लिख देता हूँ आपको। एल जो दिया हुआ है, ये एल जो है 100 सेंटीमीटर है। बी जो है, बी इज 50 सेंटीमीटर एंड एच इज 75 सेंटीमीटर। और इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी हमें, जैसा आप देख पा रहे हो यहां पे, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू चाहिए आपको और पॉइजन्स रेशियो। जो यंग्स मॉडुलस इसका है, मान लेते हैं 200 गीगा पास्कल है, और जो म्यू है यानी पॉइजन्स रेशियो वैल्यू जो है 0.25 है। तो इस प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट क्या करना है, इस प्रॉब्लम में कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। इधर पूछा जा सकता है कि बताओ भैया कि लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होगा, या चेंज इन लेंथ क्या होगा, चेंज इन विड्थ क्या होगा, या फिर चेंज इन हाइट क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सारे को कंक्लूड करके आपसे भी पूछा जा सकता है कि इस पूरे इस ब्लॉक के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन उसके लिए आपको यह समझना होगा कि इस फॉर्मूले में आपको चाहिए क्या क्या। क्लियरली पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन आपको E की वैल्यू गिवन है जो कि 200 गीगा पास्कल है। यूनिट बहुत ध्यान से आप लोग देखोगे, है ना, यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि गीगा पास्कल मतलब होता है 10^9 पास्कल, 10^9 पास्कल। गीगा मतलब 10^9 और पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस यूनिट पे इसका यूनिट देखते समय ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपने न्यूटन लिया, यानी कि इसके मतलब हर जगह जहां पे भी फोर्स होगा उसको न्यूटन में आप पुट करोगे, और जहां पे भी डाइमेंशंस होंगे उसको मीटर में आप पुट करोगे। तो आपको एल कितना दिया बेटा, एल इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। चूंकि मैंने यहां पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है ई को, तो यहां पे डायमेंशन को भी मीटर में लेना होगा। और बी कितना दिया बेटा, बी इज 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। एंड एच इज व्हाट, एच इज 75 सेंटीमीटर मतलब 0.75 मीटर। मतलब और म्यू क्या दिया हुआ, म्यू इज 0.25। मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जो कि इक्विवेलेंट है डेल वी बाय वी के। अच्छा, एल बी और एच अगर आपको पता है तो क्या आप लोग इसकी हेल्प से वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम विल बी व्हाट, एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज 1 इंटू 0.5 इंटू 0.75। एक कुछ आएगा आपका वॉल्यूम निकल के आएगा, मतलब आपको यहां पे म्यू की वैल्यू गिवन है, पॉइजन रेशियो गिवन है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। अगर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड मिल जाए तो बात बन जाएगी।
आपको पता है कि सिग्मा जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया होता है। इस प्रॉब्लम में आपको फोर्स दिया हुआ है लेकिन सिग्मा नहीं दिया हुआ है, तो आप अगर आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है तो आपको करेस्पॉन्डिंग एरिया से डिवाइड करना होगा। तो अगर देखते हैं हम लोग सिग्मा एक्स अगर हमें कैलकुलेट करना बेटा, तो सिग्मा एक्स के लिए फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन यहां पे लिखा डिवाइडेड बाय एरिया, ये 100 न्यूटन जो है वो इस एरिया पे लग रहा है, ये जो शेडेड रीजन में बना रहा हूं, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 50 × 75, मतलब 50 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर, लेकिन इस डायमेंशन को हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 × 0.75, यहां पर समथिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वैल्यू है, सिग्मा एक्स मिल गया आपको। सिमिलरली सिग्मा वाई कैलकुलेट करोगे, आप देखो सिग्मा वाई का फोर्स जो है उसका नेचर देखिए क्या है, अगर फोर्स टेंसाइल नेचर का है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, अगर फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है तो उसको क्या लेंगे नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 150 डिवाइडेड बाय, ये किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे, और इसका वैल्यू क्या होगा दिस डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय दिस डायमेंशन, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो क्या लिखेंगे 100 मतलब 1 इंटू 50 मतलब 0.5, आपको मिलेगा यहां पे समथिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी क्योंकि यहां पे माइनस साइन लगा हुआ है। सिमिलरली सिग्मा जेड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जेड के डायरेक्शन फोर्स कैसा है 200 न्यूटन है और वो टेंसाइल नेचर का है, टेंसाइल नेचर का इस्तेमाल तो क्या लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, देन यू विल गेट 200 डिवाइडेड बाय एरिया, अब ये किस फेस पे लग रहा है बेटा, इसका फेस क्या है ये वाला फेस है दिस फेस, और इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो क्या लिखेंगे 1 × 0.75, यू विल गेट समथिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको सिग्मा एक्स मिल गया, सिग्मा वाई मिल गया, सिग्मा जेड मिल गया, ई दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, इन सारी वैल्यूज को हम अगर यहां पे पुट करें, यहां पे अगर हम पुट करें देन यू विल गेट ईवी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स दिस क्वांटिटी, सिग्मा वाई दिस क्वांटिटी, सिग्मा जेड दिस क्वांटिटी, साइन के साथ आप यहां पुट करोगे, मतलब फर्स्ट वन माइनस सेकेंड वन प्लस थर्ड वन डिवाइडेड बाय ई इन ब्रैकेट 1 − 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ई वैल्यू लिख देता हूं यहां पे, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको कैलकुलेट करो और सॉल्व करके इसको जो आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, है ना, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई वैल्यू 200 × 10⁻¹ हो जाएगा और म्यू की वैल्यू क्या है 0.25। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क्स मैंने बना रखे हैं इन क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू जो है यहां से आप कैलकुलेट करके आप लिखोगे और यहां जो वैल्यू आएगी वहां पर लिखोगे यू विल गेट ईवी। जब आपको ईवी मिल जाएगा तो ईवी क्या है आपका डेल वी अपॉन वी है, और डेल वी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा ईवी मल्टीप्लाइड बाय वी, और वॉल्यूम निकालने के तरीके मैंने बताया था क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच, जो कि ये वैल्यू है, यहां वैल्यू पुट करो आंसर कैलकुलेट करो, जो आंसर आता है बेटा उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको चेक करता हूं कि आंसर सही है गलत है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास का हम लोग बेटा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू।